हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट वन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्टिव एसे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिफ्लेक्टिव एसे गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एसे रीड बाई यू। रिफ्लेक्टिव एसे कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन। इमीडिएटिव थॉटफुल एसे इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्टिव एसे। ओके, इन इट द एसेस्ट सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें एक निबंधकार जो है होता है वो एक विशेष सब्जेक्ट चुनता है। एंड थिंक ओवर इट सो डीप, और इस पर बहुत गहराई से सोचता है। दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, कि इसके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू होते हैं ना, इट आर एक्सपोज, वो खोल दिए जाए। मतलब इतना गहराई से सोचता है कि इसके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उन सबको वो एक्सपोज कर दे, खोल दे, बता दे। दिस इज पॉइंट्स आउट द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो निबंधकार है वो पॉइंट आउट करता है इसके एडवांटेजेस के। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? जो भी लाभ होते हैं, एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी हानियाँ होती हैं। ऑफ द थिंग ऑन विच द मीडिएशंस मीडिएटिशंस गोज ऑन इन दिस वे, इट कैन बी सेड दैट कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। और ये कहा जा सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस यहाँ पर विस्तृतीकरण दिखाया जाता है, विस्तारपूर्वक क्लियरिटी दिखाई जाती है। क्लियरिटी, स्पष्टता किसकी? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की। और अभिव्यक्ति किस पर है? जो बेसिक क्वालिटीज होती हैं रिफ्लेक्टिव एसे की, उन सब के बारे में बताया जाता है। बेसिक क्वालिटी, रिफ्लेक्टिव एसे की जो बेसिक क्वालिटी होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। इन द फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टिव एसे, रिफ्लेक्टिव एसे के क्षेत्र में देखा जाता था, नेम ऑफ द फ्रांसिस बेकन होल्ड द हाईएस्ट प्लेस। फ्रांसिस बेकन का सबसे उच्च स्थान है किसमें? रिफ्लेक्टिव एसे। एमएम द मॉडर्न एसे, इनके बीच में कुछ आधुनिक निबंधकार भी हैं, जैसे इजी गार्डनर है, ही इज अ मॉडर्न एसेस्ट एमंग देम। आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू रिफ्लेक्टिव एसे, इन्होंने भी रिफ्लेक्टिव एसे में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन एंड द रिफ्लेक्टिव एसे। बेकन्स एसे आर मार्क्ड फॉर देयर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। बेकन के जो एसेज होते हैं वो मार्क किए जाते हैं उनकी विस्तृतीकरण के लिए। ओके, He deals with each every aspect of the subject. वह deals करते हैं किसके साथ? Each every aspect, subject का जो प्रत्येक पहलू है उसके साथ deal करते हैं। For example, ऑफ स्टडी को देख लीजिए। He point out the advantages of discussion. इसमें इन्होंने लाभ बताए discussion के, reading के and writing के, बातचीत के, पढ़ने के, लिखने के। According to Bacon, रीडिंग एंड राइटिंग आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। रीडिंग मेक्स माइंड फुल ऑफ नॉलेज, पढ़ाई जो है व्यक्ति के नॉलेज को फुल करती है, उसके ज्ञान को पूरा करती है। ओके, मेक्स माइंड, उसका जो माइंड होता है वो नॉलेज से भर जाता है। किसके द्वारा? पढ़ाई के द्वारा। कॉन्फ्रेंस डेवलप प्रेजेंट इन दैट इनेबल्स टू आंसर प्रोमोटली एंड एक्टली while writing develops correctness. Therefore, to be perfect, all the three should be balanced.
अदर हैंड इफ ही रीड्स लिटिल हिज नॉलेज बिकम्स स्कैंटी. ही pretends to know much without knowing anything. Here he makes it clear that perfections, reading, conference and writing are required, are complementary to one another. Okay? And therefore, if a man write little, फिर भी कोई व्यक्ति यदि कम लिखता है, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, उसे जरूरत है एक ज़्यादा स्मरण शक्ति की. मतलब तो उसे अगर व्यक्ति कम लिखता है तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी कम है. इफ ही कॉन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट फिट, उसमें बागपटता होनी चाहिए चालाकी. एंड इफ ही रीड लिटिल कम पड़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसमें चालाकी होनी चाहिए, उसे चालाकी की ज़रूरत है. टू सीम्स नो दैट ही डज नॉट, जो कि उस पर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उस पर है ही नहीं. एज एन एसिस्ट बेकन बिलीव्स इन क्लियरिटी फॉर विच ही एडॉप्ट द स्टाइल ऑफ क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल ही क्लासीफाइज द पर्पज ऑफ स्टडीज इन टू थ्री सेक्शंस. स्टडी आर यूजफुल इन थ्री रेस्पेक्ट्स. They provide pleasure in loneliness when we read an entertaining book by referring to book and great ideas contained in them. We come to elevate the standard of our conversation and it is their use and ornaments. But the greatest use of study lies in improving our ability to work properly. It is well said books are आवर बेस्ट टीचर, किताबें हमारी अच्छी अध्यापक हैं, सबसे बेस्ट अध्यापक हैं. एक्सपीरियंस ऑफ ए थिंग इनेबल्स टू परफॉर्म एट ए स्मॉल लेवल, बट इफ वी हैव टू मैनेज अफेयर्स एट ए लार्ज स्केल, ओनली लर्न पीपल प्रूव वर्दी ऑफ दैट. द सजेशन इज इम्प्लाइड ऑफ सेम थिंग इज टू बी डन एट ग्रैंड स्केल, ओनली एक्सपीरियंस इज नॉट सफिशेंट. It should be supported by learning also. Thus experience and learning play an important part in making person successful. क्योंकि जो अनुभव होता है और जो व्यक्ति सीखता है, learning play an important part making a person ये व्यक्ति को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. Okay. स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट्स एंड फॉर एबिलिटी. कुछ लोग तो आनंद के लिए पढ़ते हैं, कुछ योग्यता के लिए पढ़ते हैं. देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है आनंद का, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. फॉर ऑर्नामेंट इज डिस्कर्स एंड फॉर एबिलिटी. कुछ तो अपने अकेलेपन, जैसे रिटायर हो जाते हैं तो उस अवकाश का खालीपन उठाने के लिए पढ़ाई करते हैं. इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ द बिजनेस, कुछ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं. फॉर एक्सपर्ट मेन कैनेक्स execute and perhaps judge of the particulars one by the general counsel. कुछ तर्क वितर्क करने के लिए पढ़ते हैं. And the plots and the marshalling of affairs come best from those that are learned. Next point है easy Gardner and the reflective essay. Gardner makes a comprehensive approach to superstitious and Gardner opens the essay in his familiar style of narrative essay by pointing out but how to murder take place in house number 13 and people begins to talk much about a romance related to this ghost number 13. They forget the fact that murders are committed in those house. Also they do not wear the number 13, but the superstitious related to number 13 is so strong and universal. Okay, and the next topic is rational superstitious. Gardner points out a fact, ye ek haqeeqat ki taraf point out karte that all superstitious are not irrational. Some are based on logic also. A.G. Gardner
thinkers does not find any justification in the become superstitious, but according to him, it too is unjust to violate a sensible precautions. For example, it is a superstition that no man should walk under a ladder. Gardner does not regard it as a superstitious. In fact, in hot countries, pork get rotten and become unwholesome. Next topic, irrational superstitions. Daisy Gardner refers to the Roman history to point out how irrational those great people were whom we remember with utmost respect. For example, Cato was so popular that he was sure to be elected by the Romans. Pompey was against Cato, and Pompey told a lie that he had heard a thunder, and superstitious Romans did nothing after thunder. Hence, the election was postponed. Alexander Caesar and Cicero, to believe in the augurs and omens. Sometimes the omens were right and sometimes wrong. Still is better regard than meaningless. Okay? Thus, Gardner brings to light the futility of superstitions. Thus, Gardner makes a comprehensive approach to superstitions. According to him, some superstitions are rational while some others are irrational. Also, it is a matter of common sense in place of prejudice either for or against them. Gardner has used a satiric tone in the essay. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.